हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? सबसे पहले तो आपको जी मौसम का ही हालचाल व्यू मैं यहाँ का दिखाऊं। तो जी अभी धूप लगी हुई है, अच्छी खासी बारिश हो नहीं रही है, तो उस वजह से गर्मी गर्मी फील हो रही है। और लंच के लिए बने थे राजमा चावल, तड़का राजमा में लग गया है और चावल के साथ बनाए हैं, इसलिए थोड़ा रसीले ही रखे हैं। अभी ये थोड़ी सी देर के लिए बॉईल होने के लिए छोड़ रही हूँ, तड़का वड़का सब लगा करके। वो रख रही इस साइड, ऊपर ले साइड। नहीं कितने था ना सिटराई, वो थकी के फेरी फिर कुछ ही वो पीड़ा ने, अब मैं से पत्थर जगड़े ना बड़े बड़े आस भाई हैं ले निकली की पीड़, पर फेरी आसन फिर आसे के खकराए सो लगाए क्या मतलब से बादर नहीं होंगे पार सट्टे होंगे तुसे पार ते लंदे फिर समस्या ये है आजकल ना, और तो कुछ नहीं है, और तो चल भाई फिर भी पर फेंकने रही बड़ भारी कुत्ती सटने आसो तो पार्क फिर रोड आते फिर रोड भी हेड़ा कंजस्टेड बड़ भारी है डुलने वाले हैं। देख लिया तुसे दस बारी गया वो इतना गया वो गए थे रखोटे रखोटे के आए 4:30 4:30 मेरी बस आ फिर पकड़ने में कितना लेंगे बेचारे सो 2000 रही ट्राली नहीं थी बोले पत्थर रही क्योंकि हिम्मत दौड़ने ज्यादा है नहीं ये जड़ू लाना वाली चीज नहीं ये बुरी कन तिने जरूरा पर है ना से वदिया ठीक बोला था ता नहीं करता जबरा काम हां आ सब बड़ा रिवॉर्ड पर मुश्किल बोला आज के काम कर बनाना पता नहीं चो टीम जो कितना कम से कम फोन ता जाने एक आई आ था मैंने रोड पर घर ता नहीं ता नहीं ता पर सट्टे सट्टे कने सामान सट्टे कने कॉलेज बंद है फिलहाल हर चीज बंद है और कोरोना वगैरह है तीजो इंजेक्शन लगना फिर एज कितनी हुई रही तो 45 से ऊपर जो नहीं लता ने नहीं लता ने भी लगाया इंजेक्शन लता ने जीजू ने दोनों ने तो से काल पर्स के लाए थे पर बुखार आ रहे थे ना जब भाई तो हाँ लता तो नहीं आ रहा बुखार पर जीजू जो आ रहा बुखार जरूर तो ऐसी ऐसी गपशप चली हुई थी कोरोना की वैक्सीन लग रही है वो इन्होंने लगवा दी है तो उसके बारे में ये पूछताछ चली हुई थी। साथ ही फिर जो हमने पत्थर वगैरह ढुलवाए तो बस मासी को दिखा रहे थे, पूछ रहे थे उनसे भी कि कहाँ कहाँ पे क्या क्या कैसे कैसे करना चाहिए क्योंकि बुज़ुर्ग लोगों को ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है हर चीज़ का ही। और इसके बाद पतिदेव गए थे मार्केट, तो मार्केट का ये हल्का सा व्यू लेके आए हैं। तो मैं भी गया था मार्केट ना, तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि यहाँ भी हिमाचल में भी सरकार घाट में भी गर्मी काफी हो गई है, धूप बहुत तेज है। तो मैं कुछ काम से गया था लेकिन अभी वो काम पता नहीं बनता है नहीं बनता है, अगर बन गया तो आपके साथ भी पक्का शेयर करूंगा। तो बड़ा ही प्रोजेक्ट तो नहीं छेड़ रहे हो? वही प्रोजेक्ट तो छेड़ना पड़ेगा ना क्योंकि यार बिना प्रोजेक्ट के कुछ बनता नहीं है, अब कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ता है कमाने के लिए, तो कमाएंगे नहीं तो खाएंगे कैसे, और हर चीज मैनेज तो करनी पड़ती है क्योंकि आजकल की डेट में वैसे भी इतना फायदा बिजनेस में है उतना जॉब में नहीं है। तो मैं वही सोच रहा हूँ कि कुछ छोटे से स्टार्ट करने की सोच रहा हूँ मैं, पर फिलहाल अभी नहीं सो स्टार्ट करूंगा, अभी बस सर्च मार रहा हूँ मैं क्योंकि ये भी स्टार्ट करने का कोई फायदा नहीं है अभी मैं कर दूंगा क्योंकि मार्केट में देखा मार्केट ठप पड़ी हुई है, बहुत कम बंदे आ रहे हैं सामान खरीदने के लिए क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कोरोना टाइम में काफी बंदों की जॉबें छूट गई है तो इतना नहीं हो पा रहा है, तो बस देख रहा हूँ मैं उसके बाद स्टार्ट जरूर करूंगा मैं। चलो कोई ना कभी भी स्टार्ट करो, करना जरूर है करना जरूर है। अगर नहीं करूंगा तो आप तो मुझे हर वक्त याद दिलाते रहते हो ना, एक मेरी सबसे एक मेरी वेल फिशर है भाई गॉड यार, वो तो भाई वंदना की तो मतलब कि बड़ी केयर करती है फोन कमेंट में, और भाई मैंने पता नहीं यार क्या आपके लिए कुछ गलत तो नहीं बोला क्योंकि मैं कभी कुछ बोलता नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखो अब बंदा पहले मैं जॉब कर रहा था, ऐसा नहीं कि जॉब एकदम छोड़ दी मैंने, जॉब करते करते छोड़ दी ठीक है, तो ये ऐसा नहीं है कि घर भी अच्छा है
डैड ने बढ़िया बनाया हुआ घर, ऐसा कोई नहीं है। आपको मैंने कमेंट पढ़ा था कि यार यहाँ नहीं करना चाहिए, वो नहीं है, ऐसा नहीं। डैडी मेरे ड्यूटी कॉन्डेंट रिटायर आए हुए हैं, वेल सेटल्ड फैमिली है, हर वक्त हर चीज देखनी पड़ती है। ऐसा नहीं, आपने भी बड़ा साथ निभाया था डैडी का हाँ, तो जॉब वही के दौरान, जब सेकंड मंजिल बताते थे डैडी मेरे तो को हर वही ना, चीज। हर चीज। अब ये तो है नहीं है कि यार एकदम ही, अब पता कि बच्चे हमारे बहुत छोटे हैं, वो आप लिखते हो ना बच्चे, हाँ वो मुझे बहुत अच्छी आपकी बात लगती है, बच्चे बहुत छोटे हैं तो हम, पर आप मेरे ऊपर ही डायरेक्टली आक्रमण कर देते हो, तो थोड़ा सा मैं भी आपके बेटे समान हूँ, कम से कम आपने बनना हो तो बेटी बना दे, मुझे बेटा बना लो यार। अच्छा जी, और देखो अभी ये कर रही है काम, काम काम ही सब कुछ है, काम ही और सब कुछ है आज के डेट में। काम नहीं हो पा रहा है एक्चुअली। आज हम ढूंढते रह गए मिस्त्री, कि अपने दंगे के लिए मिस्त्री ढूंढे। आजकल सबसे ज्यादा समस्या है कि एक तो मिस्त्री नहीं मिलते, लेबर वाले काम वाले नहीं और मिलते। अभी एक बात बताओ, जो टाइलों का काम लगाया था उसको 1 महीना हो गया, वो बंदा ही यूपी चले गया चला है, गया और बंदा काम हमारा अधूरा छोड़ के। अधूरा पड़ा हुआ है काम। उसको डेली फोन करता हूँ, बोलता है भाई 2 दिन के बाद आऊंगा, 2 दिन, दिन दिन का, 1 महीना हो गया उस बंदे को यार। तो हम देखो लोग फिर ऐसे होते हैं कि हम जल्दी से विश्वास भी कर लेते हैं भी, चलो कोई नहीं, हाँ लाने को तो उसको दूसरा पेमेंट भी को। कर दी थी मैंने। हाँ ये किया ना सबसे गंदा काम आपने, कि उसको एडवांस पेमेंट किया, कभी भी एडवांस पेमेंट नहीं करते। अब लगा पता तो वो ही ना, चल अब कोई भी पूरा तो बस अभी मैं नहीं दोबारा करते। जाके यहाँ अभी जाऊँ, पहले दिन में गया था लेकिन अब शाम को 6 बजे जाऊँगा वहाँ बस स्टैंड के पास, वहाँ सब काम करने के बाद 5 बजे खत्म हो जाता, तो 6 बजे बंदे होते तो हैं, क्यों बिल्लू की अगर तरह वहाँ आवाज पे देख मिस्त्री रहा मिल है? गया तो मैं पकड़ के ले आऊँगा, कहाँ तो फिर गया? क्योंकि सेफ्टी कॉल देना बड़ा बहुत ओए ज़रूरी है ना। बिट्टू ओए क्या कर रहे हो? ये देखो वेलकम 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 सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूले हैं। इधर आओ बेटू, एक बार फिर से बात कर ले, इधर आओ आराम से बात करो बेटे। पापा जी, हाँ जी, जब भी आप बाजार जाओगे आइसक्रीम झूला ना मेरी है। ओके ओके ओके, एप्लीकेशन इसने दे दी है, अब इसकी डिमांड पूरी करने पड़ेगी। खिलौने लाना मेरे लिए, आइसक्रीम लाना, खिलौने लाना और आइसक्रीम लाना, बस यही दो डिमांडें होती हैं। शाम के टाइम पे मैं कर रही थी वर्कआउट, क्योंकि फिर से मैं बहुत मोटी हो गई हूँ, बीच में एक्सरसाइज छोड़ दी थी, कुछ कारण था उस वजह से। और अभी नाइट का टाइम है और आपको थोड़ा सा व्यू दिखा देते हैं। मैं बैठी हुई थी झूले पे, अकेली थी तो बस ऐसे ही सोच में डूबी हुई थी, और बाकी थोड़ा सा आपको पहाड़ों का व्यू दिखा देते हैं भाई, नाइट के टाइम पे कैसा लगता है। चलिए मैं बैक कैमरा से भी आपको दिखाती हूँ, तो ये देखिए बहुत ही प्यारा, मतलब दूर दूर एकदम लाइट्स जो हैं आपको दिखाई देंगी, तो दूर दूर होते हैं ना घर भी यहाँ पे, तो अभी नाइट के टाइम पे पता लगता है कि एग्जैक्टली कितना अगर दूरी पे रहते हैं। और खाने में बना था भिंडी की सब्ज़ी, एक्चुअली भिंडी ना ये थोड़ी सी ज़्यादा मुझसे कुक हो गई क्योंकि मेरा ध्यान नहीं रहा, और मैं बना रही थी साथ में चपाती, तो चलिए हो जाता है गड़बड़ कभी कभी। और इसके अलावा यहाँ पर ये मैं साथ में ही लगाया था मक्खन, मतलब मलाई इकट्ठी हो रखी थी तो उसको मक्खन में कन्वर्ट कर दिया, और फिर इसका बनाऊंगी देसी घी। मैं मोस्टली अपने ही घर का देसी घी ज़्यादा पसंद करती हूँ, और खुद ना ये जो गाय वाला होता है ना बहुत टेस्टी बनता है, तो मैट्रिक आपको भी बताती हूँ। ये लगभग 2 कर हफ्ते की मलाई मैंने इकट्ठी करके रखी होती है, उससे ये काफ़ी मक्खन बन जाता है। ये मैं इसमें ऐड कर रही हूँ मेथी का पाउडर, अगर पाउडर आप ऐड करते हो ना तो थोड़ा कम लगता है, अगर आप दाने कर रहे हो ऐड थोड़ा सा ज़्यादा लग जाते हैं, और पाउडर से बहुत अच्छी खुशबू आती है, इससे दानेदार भी रहता है और बहुत खुशबूदार रहता है काफ़ी लॉन्ग टाइम तक। इसके अलावा फिर अभी चल पड़ी है जी डिनर की तैयारी, तो ये सैलेड बना रहे थे, ये पतिदेव बना रहे हैं, और इनको ना चाट मसाला और ऊपर से नींबू खीरे पे डालना बहुत ज़्यादा पसंद है, और फिर इसका ये पानी पानी जो बच जाता है ना उसको ये पीते हैं, तो बस बड़े ही चाव से इसको बना रहे थे खुद अपने हाथों से। इसके बाद मॉर्निंग का व्यू अभी आपको दिखा रही हूँ, नंदू महाराज आ गए हैं और पतिदेव ने इनको खाना भी खिला दिया है। और आपको एक चीज़ दिखानी थी,
सामने पहाड़ों पे हुई है बर्फबारी, मतलब एक दो दिनों के बीच में ही हुई है ये। पूरा का पूरा पूरा पहाड़ जो है ना बर्फ से लदा हुआ दिख रहा था। तो चलो मैं अभी आपको जूम करके दिखाती हूँ। ये देखो अभी ना मतलब कैमरा में थोड़ा उतना अच्छे से क्लियर नहीं हो पाता, लेकिन आपको असल में बात बताई जाए तो एकदम बिल्कुल वाइट दिख रहा था। जैसे ऐसा फील हो रहा था अभी सर्दियां हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पे तो बर्फ़ पड़ती नहीं है, यही इन्हीं पहाड़ियों पे हम लोग देखते हैं बर्फ़ को, तो बस उसी तरह जैसे सर्दियों में जनवरी और फरवरी के महीने में देखते हैं, तो सेम वैसे ही लग रहा था कि अच्छा ताज़ी ताज़ी बर्फबारी हुई है। और ये आगे है स्नान करके, और सुबह सुबह सब नहा रहे हैं क्योंकि आज है फर्स्ट नवरात्रा और बैसाखी है, हैप्पी बैसाखी सबके लिए। और फर्स्ट नवरात्रा में ये है कि सबसे पहले नहा धो के पूजा पाठ करेंगे अब हम, और मिट्टू नहा गए सबसे पहले मिट्टू नहा गए, तो फिर अब क्या करोगे आगे? आगे पूजा करेंगे अभी हम, करेंगे हम आगे। हाँ बस फिर चलो, अब शानवी नहा रही है, शानवी भी आने वाली है। हैप्पी नवरात्रि वंस अगेन। तो भाई फर्स्ट नवरात्रि है, आप सबको नवरात्रि की ढेरों शुभकामनाएं, साथ ही आज बैसाखी भी है तो बैसाखी की भी ढेरों शुभकामनाएं आप सबको। और फिर बस नहा धो करके अभी पूजा पाठ जो है चला हुआ है, शानवी को चाव रहता है, जो जो मैं करती हूँ वो सब ये भी करती है मेरे साथ। तो बस फिर यहाँ पे पहले हम यहाँ धूप बत्ती करेंगे, और फास्ट जो है ना मैं मंडे का ही फास्ट करती हूँ, तो पूरी नवरात्रि के नहीं हो पाते हैं मुझसे जो है, वही सच बता रही हूँ आपको, फिर बाद में आप कुछ बोलने मत लग जाना। तो बस फिर जैसे भी हम करते हैं, आई हूँ मैं पहले से पूजा, बस वैसे ही हल्की फुल्की पूजा करती हूँ, भाई श्रद्धा जो है ना दिल में होनी चाहिए, पूजा पाठ से कुछ नहीं होता। और बस फिर इसी के साथ ही आज के ब्लॉग की भी एंडिंग कर रही हूँ। नमस्कार, थैंक यू।